नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। राशिफल 27 अक्टूबर 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जल्दी से जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। महिला, पुरुष, बच्चे सभी के लिए यह राशिफल होता है। सूर्योदय होगा 6:35 पर, सूर्यास्त होगा 5:35 PM पर, तिथि है एकादशी 10:46 AM तक, उसके बाद द्वादशी, नक्षत्र है शत शिवा 6:37 AM तक, उसके बाद में पूर्व भाद्रपद, और पक्ष है शुक्ल, चंद्र राशि कुंभ 2:31 28 अक्टूबर तक, अभिजीत मुहूर्त 11:42 से लेकर 12:46 PM तक, विजय मुहूर्त है 1:55 PM से लेकर 2:39 PM तक, त्रिपुष्कर योग बनेगा 10:46 AM से लेकर 6:34 AM तक 28 अक्टूबर तक। और आज का त्यौहार है पापकुंसा एकादशी और पद्मनाथ द्वादशी। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न करिए, मंगलवार का दिन है, हनुमान जी को प्रसन्न करिए, आनंद आ जाएगा आपके जीवन में। और अब हम बात करते हैं राशिफल से पहले आज के विशेष की। ये विशेष इसलिए विशेष है क्योंकि दीपावली का जो अवसर होता है वो अपने आप में बड़ा विशेष होता है। पूरे साल हम इंतजार करते हैं कि दीपावली आएगी, खुशियां मनाएंगे, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे। जब दीपावली का अवसर आता है तो सबकी मनोकामना होती है, इच्छा होती है कि इस बार माँ लक्ष्मी हमें पहले से ज़्यादा अच्छे से आए, प्यार करें, धन दौलत दें, आशीर्वाद दें, अपनी असीम कृपा बरसाएं। ये आपकी इच्छा है, और महालक्ष्मी की इच्छा क्या होती है ये आपने कभी जानने की कोशिश शायद नहीं की होगी। महालक्ष्मी की इच्छा होती है कि मेरी पूजा विधि विधान से सही तरीके से हो। जैसे आप किसी के घर जाते हैं और वो आपकी आवभगत बहुत अच्छी तरीके से करे, छप्पन भोजन खिलाए, आपके हाथ पैर अच्छे से जोड़े, आपसे आदर सत्कार करे, आपको सही जगह पे बैठाए, आपका सम्मान करे, तो आप उसके घर बार बार जाना पसंद करेंगे और 10 जगह पे तारीफ भी करेंगे और कहेंगे भाई बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही अगर आप महालक्ष्मी को सही तरीके से उनका ख्याल रखेंगे, सही तरीके से उनको सही चीजें अर्पण करेंगे, तो फिर आपकी भी चांदी ही चांदी है, सोना ही सोना है, हीरे जवाहरात है। हम गलती यही करते हैं कि हम जो पूजा पाठ की चीजें होती हैं उसको जल्दबाजी में निपटाते हैं। चलो ठीक है, भगवान बस कान पकड़ लिए, हो गया। ऐसा नहीं चलता है, ऐसे काम नहीं चलता। जब आप छोटी सी बात पे नाराज हो सकते हैं तो भगवान तो बहुत बड़ी चीज है। तो चलिए, ये तो एक बात हुई। इस बार आप लोग महालक्ष्मी को साक्षात रूप में अपने घर में लेकर आइए, ओरिजिनल। आप यही कहते हैं ना, हमें कहीं पे भी जाते हैं, सोना हमें ओरिजिनल दीजिए, चांदी हमें ओरिजिनल दीजिए, हीरा हमें ओरिजिनल दीजिए, घी तेल हमें ओरिजिनल दीजिए, बिस्कुट हमें ओरिजिनल दीजिए, आटा बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, कपड़ा बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। तो जब भगवान को लेने जाते हैं, भगवान को घर पे विराजने के लिए लेने जाते हैं, तो वो ओरिजिनल क्यों नहीं मांगते? वहां पे तो नहीं कहते आप कि हमें असली के भगवान चाहिए। तो इस बार जो महालक्ष्मी है वो आपको असली के चाहिए, और असली के महालक्ष्मी कैसे होते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। मैं पिछले कुछ दिनों से दिखा रहा हूँ, आज फिर दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये हैं, ये उठ गया इनके ऊपर से कवर, ये हैं सात मुखी रुद्राक्ष, इसको बोलते हैं महालक्ष्मी का स्वरूप, साक्षात महालक्ष्मी, और ये है गणेश रुद्राक्ष, चांदी में मढ़े हुए हैं, बढ़िया तरीके से सुशोभित है। ये असली है, ये पेड़ पे लगा हुआ एक फल है रुद्राक्ष ने, ये नेपाली रुद्राक्ष है, फिर सर्टिफिकेट, ये प्रूफ करेगा सर्टिफिकेट कि ये ओरिजिनल है। तो सात मुखी रुद्राक्ष जो है वो महालक्ष्मी का स्वरूप होता है। इसको गले में धारण करें या अपने घर की तिजोरी में, गुल्लक में, मंदिर में, फैक्ट्री में, कार्यालय में, जहां पे भी रखना चाहे वहां पे रखें। जो पेड़ पे फल लगता है वो नकली नहीं हो सकता है, वो प्लास्टिक का या मिट्टी का या किसी चीज़ का नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल एकदम शुद्ध 100% ओरिजिनल। तो जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों में ओरिजिनल मांगते हैं, तो ऐसे भगवान को भी ओरिजिनल जब आप लेकर आएंगे तो ओरिजिनल तरीके से ही आपको फल मिलेगा। तो इस दीपावली जो आपको पूजा करना है वो इनकी करनी है, मेरे अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इनकी पूजा करिए। और इनकी पूजा जब आप करेंगे तो जब साक्षात रूप में महालक्ष्मी को आप अपने घर में रखेंगे, गणेश जी को अपने घर में रखेंगे, तो निश्चित रूप पे उनकी कृपा बरसेगी, धन दौलत
पैसा, मान सम्मान, नौकरी में तरक्की, व्यापार में तरक्की, शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, शादी में तनाव है तो वो दूर हो जाएगा, वास्तु दोष दूर हो जाएंगे, बच्चों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, व्यापार की समस्याएं दूर हो जाएंगी, कल गरीब थे अब अभी होने की तरफ बढ़ेंगे, शिक्षा अधूरी थी तो पूरी हो जाएगी, आपका प्यार या आपका प्रीतम आपसे रूठा है तो वो भी महालक्ष्मी की कृपा से मानेगा, धन दौलत, गाड़ी बंगला, विदेश यात्रा, ये वो सब कुछ, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा जब आप से महालक्ष्मी प्रसन्न होंगी, और महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको असली महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ये मैं आपको फर्स्ट टाइम ये मैं ये चीज लेके आया, आज तक आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, कभी देखी भी नहीं होगी, तो आप इसको अपने घर में लेके आए। अब ये आपके घर में इस तरीके से केस में बंद हो गया, कितना खूबसूरत सा केस है, इसको आप अपने मंदिर में रखिए, तिजोरी में रखिए, घर के किसी भी साफ जगह पर रखिए, दुकान पर रखिए, या फिर जहां आपको इच्छा लगे वहां पर रखिए, फैक्ट्री, व्यापार, सब जगह भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा हो ही नहीं सकती, शनि राहु केतु जैसे ग्रह सता ही नहीं सकते, आप हर तरीके से समझ लीजिए जेड सिक्योरिटी आपको मिल गई इसको अपने घर पर लाने पे, साक्षात इनको लेकर आने पे। और एक सबसे मजे की बात बताऊं, इनको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, मजे की बात यह है, अभी मैं आपको और भी चीजें दिखाऊंगा, और मजे की बात यह है कि इनको एक बार ले लेने के बाद आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं है, जब तक आपका जीवन है तब तक आप इनको हर बार गंगा जल से या विधि विधान से धोकर इनकी पूजा करें, हर दीपावली, ठीक है जी? तो ये सही तरीका है। अब इसके साथ में मैं आपको और क्या दूंगा, ये इस तरीके की किट आएगी, ये देखिए इस किट में क्या है, इसमें कमलगट्टा है, इसमें चरण पादुका है, और ये चरण पादुका जो है ये मेटल की है, पीतल की है, कोई कागज की या प्लास्टिक की नहीं है, और उसके साथ में कौड़ी है, सीप है, पंच रत्न है। आज तक आप में से कितने लोगों ने भगवान को पंच रत्न चढ़ाए, हीरे जवाहरात चढ़ाए, नहीं चढ़ाए होंगे, ये पंच रत्न है जो आपको मिलेंगे, और ये आपके, और ऐसे ही आप इसको भी अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा, यकीन मानिए तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, भरती ही चली जाएगी। तो ये दूसरी चीज हो गई। इसके साथ में आपको क्या मिल रहा है, ये देखिए लाल चुनरी सुंदर सी, और ये आप चढ़ाइए भगवान को, और भगवान प्रसन्न। इसके साथ में आपको मिल रहा है हमारी तरफ से आरती करने के लिए ये स्पेशल बत्ती जो आप दिए में जलाएंगे, ये धूप बत्ती और ये कपूर, और दिया भी हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको कुछ बाहर से लेना ना पड़े, ये दिया इसमें जलाइए, विशेष रूप से बस घी अपने घर का प्रयोग करिएगा क्योंकि घी भेजना संभव नहीं है। और ये जनेऊ जो भगवान गणेश को आप चढ़ाएंगे, अब ये देखिए इसमें फल क्या है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, ये भी चढ़ता है, इसको भी आपको हम दे रहे हैं। इसके साथ ये रोली है, रोली के साथ में ये देखिए केसर है, इसका आप तिलक लगाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे। इसके साथ में सुंदर सी माला है जो आप चढ़ाएंगे, आप अपने घर में जो फूल की माला लाएंगे वो भी चढ़ाइएगा। ये देखिए इत्र है, ये भी आपको मिलेगा, जो विदेश पैकेट जाएगा आउट ऑफ इंडिया, शायद वहां इत्र भेजना संभव नहीं है, उसकी जगह हम कुछ और भेजेंगे आपको। ये रोली है, और ये देखिए धनिए के बीज हैं जो भगवान को बहुत पसंद है, माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। ये देखिए ये क्या है, हल्दी की गांठें, ये चढ़ाइए। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप लाख मिठाई चढ़ाएं, लाख पकवान चढ़ाएं, जब तक बताशा ना चढ़ाएं तब तक महालक्ष्मी को मज़ा नहीं आता, आशीर्वाद नहीं मिलता। उसके साथ में ये देखिए कुबेर देवता का यंत्र भी है, इनकी भी पूजा करिए, धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। उसके साथ में देखिए छोटी सी प्लेट भी है, अब ये प्लेट के लिए प्लास्टिक की प्लेट है, हम आपको बता दें, लेकिन बहुत सुंदर डिजाइन वगैरह बना हुआ है। इस प्लेट में क्या है कि इसमें आप जो जो चीज़ें चढ़ा रहे हो धीरे धीरे एक एक करके चढ़ाइए ताकि ज़मीन पर ना रखना पड़े आपको। और सबसे मज़े की बात क्या है, हम आपको दे रहे हैं इसके साथ में जो मेरी तरफ से है, हमारे चैनल की तरफ से है, आप लोगों को ये एक लाजवर्द रत्न बिल्कुल फ्री, तो ये भी आपका हो गया। अब इतनी सारी चीज़ें आपको हम इस किट में प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ मुहूर्त क्या है दीपावली का, पहले किस भगवान की आरती करनी है, कहानी क्या है, क्यों दीपावली मनाई जाती है, उसका भी पूरा एक पेपर आपको मिलेगा जिसमें आप पढ़ेंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो अब आप ये बताइए कि आप में से कितने लोग असली में सफल होना चाहते हैं, असली में सफलता पाना चाहते हैं, ओरिजिनल, तो ओरिजिनल चीज पाने के लिए आपको ओरिजिनल भगवान को भी अपने घर में रखना होगा, समझ गए आप? अब आगे आपकी मर्जी है, ये आपको चाहिए तो LG
एल फॉर लक्ष्मी, जी फॉर गणेश लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। 4,500 रुपये इसकी कीमत है और 1 तारीख तक हम इसके ऑर्डर लेंगे और उसके बाद इसके ऑर्डर नहीं लेंगे। 100 पीस हमने इसके यानी 101 पीस हमने तैयार किए हैं। 101 पीस में से कम 60% पीस ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। थोड़े से 40-45 पीस बचे हैं। अब आपके घर में अगर महालक्ष्मी आना चाहेंगी तो आपका नंबर लग जाएगा, नहीं आना चाहेंगी तो ईश्वर की मर्जी। तो LG लिखकर आप व्हाट्सएप कर दें। अब कुछ लोग कहेंगे कि आप व्यापार कर रहे हैं, यहाँ बिल्कुल व्यापार है। अगर हम व्यापार नहीं करेंगे तो फिर आपको चीज़ें मिलेंगी कैसे? अब ये जो चीज़ें हैं इन सबको इकट्ठा करना, सही तरीके से एकत्र करना, इस समय मेहनत लगती है। आज की डेट में अगर आप साहब बाहर मार्केट में जाएं तो पानी भी मुफ्त का नहीं है। मुफ्त में इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कहानियां मिलती हैं और सपने मिलते हैं जो बहुत कम लोगों के पूरे होते हैं। और सपने देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत से पैसा आता है और पैसे से ये संसार है। तो व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चीज़ों में दिमाग लगाने की बजाय सही जगह पर दिमाग लगाएं और अपनी जीवन में तरक्की पाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं आपकी राशि की। तो आपकी राशि का राशिफल पढ़ देते हैं ताकि आपको आज का दिन कैसे बीतेगा वो पता चल जाए। बात करेंगे आपकी राशि कुंभ की। आज बहुत सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। जहाँ से कुछ ज्ञान मिलेगा, जहाँ से कोई चीज़ मिलेगी, आप चाहेंगे कि उसको इकट्ठा कर लें। चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आज आप प्रॉपर्टी इत्यादि बनाने में, धन निवेश करने में या तो पैसा लगा सकते हैं या सोच सकते हैं। आज वक्त बढ़िया बीता बीतता चला जाएगा। घर के लोगों का आना जाना होगा, कुटुंबीजनों से मुलाकात हो सकती है। आपकी वाणी मनमोहित करने वाली होगी। आज छोटे बच्चों की शिक्षा आरंभ करने का दिन है। आज कोई आपसे नाराज है तो उसको बनाने का दिन है। आज की जो भी शुरुआत आप करेंगे, जिस भी काम की, वो अच्छी रहेगी। आज सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आज आपके सभी काम बहुत चतुराई से आप करेंगे और चालाकी से कर लेंगे। दिमाग बहुत तेज रहेगा। आपको हर छोटी बड़ी चीजों का, लोगों का, भगवान का सहयोग आज मिलेगा। आशीर्वाद है ईश्वर का आज आपके ऊपर। खेल कूद कंपटीशन और बढ़िया रहेगा। नौकरी में प्रमोशन की बात करें अपने बॉस से तो आज बात बन सकती है। उनके कानों में बात जरूर डाल दें। धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। हनुमान जी की उपासना करें, शिव जी की उपासना करें। और ये जो आप महालक्ष्मी की किट मैंने आपको दिखाई थी आज के विशेष में, इसको घर पे लाने पे आपकी शनि की 6.5 साथी, काल सर्प दोष, शनि राहु केतु के दोषों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आज आपका जन्मदिन है तो शुभकामनाएं, और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हरिओम, नमस्कार।